तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। लॉकडाउन के दिन हैं, घर पे बैठे बोर हो रहे हैं, क्या करें। तो आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम लोग एक बड़ी स्पेशल तरीके की चाय बनाएं, क्योंकि तो चाय तो देखिए सबकी फेवरेट है। तो आज दोस्तों, ये स्पेशल तरीके की जो चाय बना रहे हैं, ये है हमारी कुल्हड़ वाली तंदूरी चाय। तो दोस्तों, आपने अक्सर जो है देखा होगा किस तरीके से मार्केट में कुल्हड़ वाली तंदूरी चाय मिलती है, और इसके सभी कितना जो है दीवाने हैं। तो आज मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ इसमें जो है हम लोग को जो है नया करना चाहिए और घर पे करना चाहिए। और आज हम इसमें बनाएंगे दोस्तों पहाड़ी चाय, वो भी तंदूरी स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, कि ये कुल्हड़ ले लेना है, और इस कुल्हड़ में हम लोग को ये कोयले भर देने हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये भर दिया और इसको हमको इसी में रख देना, ताकि ये साथ ही साथ के गर्म होता रहे। और जब ये गर्म होगा तो इसके साथ अब हमको जो है दोस्तों इसमें रख देना है पैन, जिसमें हम बनाएंगे अपनी चाय। तो दोस्तों, इसमें हम धीरे धीरे थोड़ी सी लकड़ियाँ भी लगा दे रहे हैं। लकड़ियाँ क्या काम करेंगी कि हमें फ्लेम देंगी लकड़ियाँ, बस वी विल बी नीडिंग फ्लेम। तो इसमें हमने ये लकड़ी लगा दी है और ये पैन हमने जो है चाय का चढ़ा दिया। अब इसमें दोस्तों जो है पैन में डालेंगे चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी। मैं ऑलमोस्ट 1.5 ग्लास पानी लूँगा। यहाँ पे हमें दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हाफ एंड हाफ पानी और दूध का कंसंट्रेशन या रेशियो हमें बना के रखना है, तभी चाय का असली फ्लेवर और असली टेस्ट जो है हमको आ पाएगा। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पहाड़ी चाय है, तो इसमें हम कुछ जो है स्पेशल तरीके के मसाले डाल रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे इलायची। तो मैंने यहाँ पर 2 इलायची ली हैं और इनको हल्का सा जो है एक बार प्रेस कर लिया, और ये मैंने यहाँ पे लौंग लिया, इसको भी मैंने इसी तरीके से कूट लिया। 2 लौंग और 2 इलायची ली हमने, और यहाँ पे हम ले रहे हैं थोड़ी सी अदरक कूटी हुई फ्लेवर के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, बिना अदरक के चाय, बिना चाय के अदरक, ये कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि दोस्तों, हम इसको गैस पे नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, और इसको हम चूल्हे पे बना रहे हैं, इसके लिए हम बीच बीच में इसको स्टर कर ले रहे हैं, सो दैट टेम्परेचर जो हमारा इवनली फूड डिस्ट्रीब्यूट होता रहे होटल पे। यहाँ पे साथ में दोस्तों, आज मैंने ये एक बड़ा ही स्पेशल मसाला लिया है। नॉर्मल तौर पर हम लोग इसको चाय में नहीं डालते हैं, बट दोस्तों ये है देखिए दालचीनी, सिनेमन। नॉर्मली मार्केट की जो हम लोग को मिलती है वो कासिया मिलती है, और वो एक मोटा सा छाल की तरीके से होती है, बट यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरी सिनेमन रोल्ड है, और यही इसकी खासियत है। तो अब हम इसको जो है डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल रहे हैं। ये जो सिनेमन है दोस्तों, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इससे आपका वेट लॉस भी होता है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। दोस्तों, ये चाय तो है, बट चाय होने के साथ साथ दोस्तों ये एक तरीके का काढ़ा भी बन रहा है, बिकॉज इसमें हर चीज़ की अच्छाई है, वो हर चीज़ इसमें ऐड करते कर रहे हैं हम लोग। तो ये दोस्तों पानी हल्का हल्का गर्म होने लग गया है, और इसमें दोस्तों पहले हम लोग को ये करना है कि इसको साइड में रख के देंगे, कुल्हड़ को एक बार हम लोग फ्लिप कर लेंगे, गर्म बहुत है, ताकि ये
इवनली गर्म हो दोनों तरफ से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपको लग रहा है कि कम हो रहा है तो इसमें लकड़ी या कोयला कुछ और ऐड कर दूँगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने कोयले का यूज़ किया तो मैं थोड़ा सा कोयला और ऐड कर दूँगा क्योंकि टेम्परेचर कहीं पर कम ना हो पाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम चाय के इसको दोबारा से इस पर रख देंगे और चाय स्लोली स्लोली कुक हो रही है। धीरे धीरे हमारी चाय बन रही है और चाय धीरे धीरे कोयले पे बनती रहे, मीठी पे बनती रहे तो इसकी बात ही कुछ और होती है। चाय है तो चाय पत्ती तो होगी होगी। दोस्तों इसमें हम लोग चाय पत्ती डाल रहे हैं। यहाँ 3 छोटे चम्मच चाय पत्ती डालें और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त स्मेल यहाँ पे आने लग गई है चाय से। दोस्तों चाय का पानी भी देखिए धीरे धीरे बॉयल होने लग गया है। अब इसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें धीरे धीरे हवा करें। आप ये प्रक्रिया दोस्तों अपने चूल्हे पे भी कर सकते हैं, अपने नॉर्मल किचन स्टोव पे। बट लॉकडाउन के दिन हैं, बोर हो रहे हैं घर पे बैठ के, क्या करेंगे। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से हम लोग अगर करेंगे तो थोड़ा टाइम भी पास होगा और एक हम अपने पुराने समय से भी जुड़ पाएंगे, बचपन के दिनों से जब हम लोग गांव में जाते थे किस तरीके से चूल्हे पे खाना बनता था, चूल्हे पे चाय बनती थी। हालाँकि हमारे पहाड़ों में तो आज भी जो है जो चाय वगैरह होती है इसी तरीके से जो है लकड़ियाँ जला दी जाती हैं और चाय की केतली टांग दी जाती है। सर्दियों के टाइम तो जो है कभी भी ये प्रोसेस रुकता ही नहीं है चाय बनने का, पूरे 24 घंटे जो है चाय बनती रहती है और चाय लोग पीते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो है जो चाय का पानी है वो एकदम अच्छी से गर्म हो चुका है, इसमें से जो है भाप उठने लगी है। और क्योंकि ये कोयले पे बन रहा है तो ये एकदम से जो है आप ये सोचें कि एकदम से उबलने लगेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। स्लो कुक प्रोसेस है, टेक्स टाइम, बट ये टाइम आप स्पेंड करेंगे दैट इज़ वर्थ वाइल। तो अब हम इसमें दोस्तों डाल देंगे दूध। पहले मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब मैं पानी डाल रहा था कि दूध और पानी की क्वांटिटी जो है हाफ एंड हाफ रहेगी। तो हमने यहाँ पे 1.5 ग्लास जो है पानी लिया था तो हम इसमें 1.5 ग्लास दूध डालेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, दूध डालते ही जो है ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो यहाँ पे 1.5 ग्लास हमने इसमें दूध डाल दिया है और अब हम इसे गर्म होने का वेट कर रहे हैं। जैसे दोस्तों बिरयानी बनती है तो टाइम लेती है, दम होती है, बट द वेट इज़ वर्थ वाइल। तो ये चाय है ये बनने में थोड़ा टाइम चलेगी बट जो चूल्हे में बनी चाय की टेस्ट है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो एसेंस है दैट इज़ डेफिनेटली अनकम्पेरेबल। उसको आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। चाय है इट विल ब्रिंग बैक सो मच नॉस्टैल्जिया इन एवरीथिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। जब तक ये धीरे धीरे गर्म हो रही है आप लोग अपनी चाय बनाने का जो है तैयारी करिए। देखिए दोस्तों अब ये चाय जो है हमारी उबलने लग गई है, हाँ अच्छा कलर आ गया इसमें। दोस्तों इसमें हमें जो है चीनी डालनी है, आप इसमें कैसी भी चीनी डाल सकते हैं जैसा आप चाहें, यू आर लाइक नॉर्मल शुगर तो आप लोग नॉर्मल शुगर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे शुगर से ऐड कर रहा हूँ,
शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास शुगर फ्री है। धीरे धीरे चाय पक रही है। मैं आपको बात बता देता हूँ कि चाय का जो टेस्ट आने वाला है दोस्तों, ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। यहाँ पे स्मेल आ रही है, चाय की खुशबू आ रही है, वो एकदम ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त चाय पक के गई है और इसमें जो है बस 2 मिनट और ये चाय जो है सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगी। भाई वाह दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ इस चाय को बनाएं, घर पे नहीं, आप अपने दोस्तों को टैग करें इस चैलेंज में, इस चाय को बनाने के चैलेंज में, अपने फैमिली वालों के साथ चाय बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कुछ दिनों अपने दोस्तों से केवल ऑनलाइन मिलें। मैं फाइनल उबाल आ चुका है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर भी आ चुका है। तो वक्त आ गया है इसको चूल्हे से हटा दें। यहाँ पे चाय को मैं जितना भी जितना भी आपको इसमें डार्क कलर लाना है, जितनी स्ट्रॉन्ग चाय बनानी है, उसको उस हिसाब से बना सकते हैं। ये रेसिपी में कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, ये रेसिपी बस केवल आपकी ही किचन की रेसिपी है। दोस्तों इस चाय की रेसिपी में कोई चेंज नहीं है, ये आपकी किचन की रेसिपी है, आप जैसे इसको बनाते हैं वैसे ही आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, कुछ मसाले अलग से डाले हैं, कुछ इसकी स्पाइसीनेस बढ़ाने की कोशिश करी है। इसको मैंने चूल्हे से हटा लिया है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो कुल्हड़ था वो पक के कितना ज़बरदस्त हो चुका है। क्या करेंगे कि लड़के अंदर का सारी राख जो है उसको हटा देंगे और एक गर्म रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत गर्म है, चाय से भी ज़्यादा गर्म है। लेकिन यहाँ पे हमने एक नया पैन ले लिया है और इस कुल्हड़ को हम रख देंगे इस पैन में। दोस्तों आपको याद है हम लोग बना रहे हैं तंदूरी चाय कुल्हड़ वाली, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस चाय को जो हमारी चाय बनी हुई थी इसको इस कुल्हड़ में हमको पोर करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ओह ये बात, ये देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त है। चाय एकदम ज़बरदस्त हो गई है ये ज़बरदस्त एफर्वेसेंस में आ गया। सो लग रहा है चाय नहीं कोल्ड ड्रिंक है, बहुत गर्म है। इस कूलर को मैं साइड में रखूँगा, एक साफ़ सा फ्रेश सा कप लीजिए। मैं पहाड़ी में थोड़ी चाय ज़्यादा पीता हूँ तो मेरे कप का साइज़ थोड़ा बड़ा है, बट प्लीज़ डोंट जज मी। चाय बनके रेडी है दोस्तों, बनाएं इस चाय को अपने घर पे, अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें और इस लॉकडाउन में कुछ नई नई एक्टिविटीज़ ढूंढिए। और मैं ये चाय एंजॉय करने जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ और आप अपनी फैमिली के साथ करिए। तो अगले एपिसोड तक चीयर्स।